फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कॉन्टीन्यूस लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगे और आपने जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए हों। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो लूतो और जंगली दोनों घर वापस आ रहे होते हैं और अभी हम देखते हैं जो लूतो है वो अपनी ग्रैंड माँ के पास आता है और ग्रैंड माँ उससे बोलती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए, तुम्हें पता है ग्रैंड माँ कितनी ज़्यादा डर गई थी। तो फिर लूतो उससे बोलता है कि सॉरी ग्रैंड माँ आपको वरी करने के लिए। फिर ग्रैंड माँ उससे बोलती है कि अभी तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम नॉर्मल चाइल्ड की तरह बड़े हों और तुम्हें एक डेथ सिचुएशन या फिर लाइफ सिचुएशन ऐसी सिचुएशन को फेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो लूतो उससे बोलता है कि ग्रैंडमा, मैं भी आप सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ये सिर्फ आपकी जो स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग थी उसके कारण ही पॉसिबल हुआ है, इसलिए आपको खुद को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी ग्रैंडमा उसे फिर से हग करती है और उससे बोलती है कि मेरे ग्रैंडसन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो वो दोनों हग कर रहे होते हैं, तभी चैंगली ने शाओशाओ को अपनी गोद में उठा रखा होता है और जो चैंगली है वो शाओशाओ को बोलता है कि शाओशाओ, मैंने तुम्हारे डैड और मॉम को इतने क्लोज पहले कभी भी नहीं देखा। तो शाओशाओ अपने डैड को बोलता है कि इसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया है लेकिन इसकी जो स्पिरिट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तभी उसके टॉन्ट को सुन के जो लूतो है उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने अपनी स्टडीज़ और ट्रेनिंग को निग्लेक्ट नहीं किया। तो शाओशाओ से बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे वर्स परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ। तभी चैंगली उसे बोलता है कि क्या तुम शाओशाओ को अपनी गोद में लोगे। तो चैंगली की बात सुन के लूतो उसे घूरता है और उसे अपने गोद में नहीं लेता। तभी ग्रैंडमा शाओशाओ को लेके वहाँ से जाने लगती है और उससे बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करो। तभी वो दोनों होते हैं अकेले में। तो चैंगली लूतो उसे बोलता है कि शाओशाओ तुम्हारा बेटा है और तुम उसे अपने सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट क्यों करते हो, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो लूतो उससे बोलता है कि तुम्हें भी इतना ज़्यादा बॉसी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर उससे हग करता है और उससे बोलता है कि हमने कितने टाइम से अकेले में टाइम नहीं बताया है। और फिर वो उससे बोलता है जो भी चीज़ हम कार में कर रहे थे तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो चैंगली उससे बोलता है लेकिन ग्रैंडमा और शाओशाओ अभी भी इधर हैं और इतनी ब्रॉड डे लाइट में हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तभी लूतो उसकी बात नहीं सुनता और उसे करीब आने लगता है। तभी लूतो उससे बोलता है कि क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो फिर वो उसे बोलता है कि इवन के मैं बाकी सभी लोगों से सराउंडेड था लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही तुम चल रहे थे। और फिर वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। तो लूतो उससे बोलते हैं कि अभी ठीक है। और फिर वो उससे फिर से क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। और वो दोनों एक दूसरे को अपना जो लव कन्फेस कर रहे होते हैं। तभी हम 2 घंटे के बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर लूतो और चैंगली दोनों साथ में होते हैं और वो कुछ बातें कर रहे होते हैं और चैंगली उससे बोलता है कि तुम्हारी जो मेमोरीज हैं अभी स्टेबल हैं या फिर नहीं। और फिर वो उसे एनिमी अटैक के बारे में पूछता है जो भी मतलब स्कूल में हुआ था एकेडमी में। तभी जो लूतो है वो उससे बोलता है कि ये कोई नॉर्मल सिंपल एनिमी अटैक नहीं था, किसी ने ज़रूर वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक की थी। कोई है जो हमारी जो अकेडमी है जिसमें मिलिट्री अकेडमी है उसमें कोई छिपा हुआ है जो कि एनिमी को खबर दे रहा है। तभी उसकी बात सुन के चैंगली घबरा जाता है, उससे बोलता है कि क्या ऐसा है, तो फिर हमें जल्दी से उसे फाइंड करना चाहिए। तभी लूतो उससे बोलता है कि अभी मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम सिर्फ एंगी को ही ट्रस्ट कर सकते हो। तभी चैंगली उसकी बात समझ आता है और वो दोनों मतलब एक दूसरे को थोड़ी सी और बातें करते हैं। तभी चैंगली उससे बोलता है कि तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हारी कंडीशन स्टेबल नहीं है। और तभी हम देखते हैं लूतो को फिर से हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी चैंगली वहाँ पर हेल्प के लिए बुलाता है। तभी जो फेंगी होता है वो बाहर ही होता है और वो जल्दी से डॉक्टर आन को लेकर आता है। तभी जो चैंगली है वो फेंगी से बोलता है कि अभी क्या हुआ, वो फिर से फेंट कैसे हो गया। तो फिर फेंगली उसकी बात सुन के उसे बोलता है कि अभी जनरल का जो ब्रेन है वो अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तो इस तरह से मतलब उनका कोलैप्स होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, तो फिर इसीलिए तो मैं डॉक्टर आन को अपने साथ रखता हूँ। तभी चैंगली उसे बोलता है ये कब उठेगा। और फिर वो उसे बोलता है कि क्या उसे फिर से जो मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो फेंगी उसे बोलता है कि अभी हम कुछ जनरल की कंडीशन के बारे में नहीं बोल सकते। तो
फ्रेंकली उसे बोलता है कि क्या कुछ हो सकता है, और फिर उससे बोलता है कि लूथो ने अभी भी मुझे बताया कि आर्मी में कोई ऐसा इंसान है जो एनमी को खबर दे रहा है, ऐसा क्या है। तो फ्रेंकली उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सभी चीज़ें सीक्रेटली करनी पड़ रही हैं। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि अभी जो लूथो है वो थोड़ा ठीक है, बाकी उसकी मेमोरी में क्या चल रहा है और उसकी कंडीशन क्या होगी वो पूरी तरह से उसके उठने के बाद ही हमें पता चलेगा। तभी चैंगली उसके करीब जाता है और उसे किस करता है और उससे बोलता है कि मैं इसकी अच्छा से ख्याल रखूँगा। और फिर वो उससे सोचता है कि जब तुम उठोगे तो क्या तुम खुद होगे या फिर तुम फिर से किसी और में चेंज हो जाओगे, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी की बात कर रहा होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। सो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं। जो चैंगली होता है वो अपने ऑफिस में होता है और वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि 8 घंटे के बाद उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिलीज होने वाली है, और वो उसका पहला मतलब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि उसकी सेल्फ मेड ब्रांड की है। तो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, इधर उधर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है अपने कोवर्कर्स को। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंडमा का कॉल आता है उसे, और ग्रैंडमा उससे बोलती है कि शाओजिन क्या तुमने खाना खा लिया। तो शाओजिन उससे बोलता है कि ग्रैंडमा अभी मैं मतलब मुझे भूख नहीं लगी है, और फिर वो उससे बोलता है कि लूथो कैसा है। तभी ग्रैंडमा उसे बोलता है कि डॉक्टर अभी भी आए थे लेकिन अभी भी बिल्कुल भी उसकी कंडीशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ना तो कोई अच्छा चेंज हुआ है ना ही कोई बुरा चेंज हुआ है, वो अभी भी अनकॉन्शियस है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तो फिर चैंगली उसे बोलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड कर रही हैं, आपकी जगह पर अभी मुझे उसकी साइड पे होना चाहिए था। तो ग्रैंडमा उसे बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा जो सेल्फ क्रिएटेड ब्रांड है वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो तुम्हें यहाँ पर होना ही चाहिए, तुम इतने सालों से इसके लिए तैयारी कर रहे हो, हम इसे फेल कैसे होने दे सकते हैं। तभी जो मतलब चैंगली होता है ना, वो उसे बोलता है कि अगर लूथो की कंडीशन में बिल्कुल भी कुछ होता है, कोई थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट होता है, तो आप मुझे जल्दी से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो ग्रैंडमा से बोलती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर फैली है और यहाँ पर सभी चीज़ें ठीक होगी, तुम अभी अपने वर्क पर फोकस करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो होता है हमारा चैंगली, वो बैठा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी कोई इंस्पिरेशन नहीं होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो मतलब थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए पानी पीता है, और फिर वो सोचता है कि मुझे जल्दी से अपना जो मेन डिज़ाइन है उसे फिनिश करना होगा। तभी वहाँ पर उसे फिर से कॉल आता है फेंगी का, और मतलब चैंगली थोड़ा घबरा जाता है और फेंगी से पूछता है कि फेंगी तुम इतने लेट मुझे कॉल कर रहे हो, क्या लूथो ठीक तो है। तभी फेंगी उसे बोलता है कि जर्नल मिसिंग है। तो फिर चैंगली उसे बोलता है कि क्या मिसिंग, क्या वो उठ गया था। तो फिर फेंगी उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कब उठे थे, लेकिन अभी अभी मैंने चेक किया, वो अपने बेडरूम में नहीं है, क्या आपके पास कोई क्लू है कि जर्नल कहाँ जा सकते हैं। तभी चैंगली उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दी से घर जाता हूँ, और फिर वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को बोलूँगा कि सर्च करें, अभी वो बाहर हो सकता है। तो चैंगली की बात सुन के फेंगी उसे बोलता है कि आप काम डाउन हो जाइए, मैंने ऑलरेडी पीपल को भेज दिया है उसके लिए और उन्हें ढूंढने के लिए। तभी मतलब जो चैंगली होता है ना, वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे खुद से उसे फाइंड करना होगा। तभी जैसे ही वो अपना डोर ओपन करता है तो सामने जर्नल खड़े होते हैं लूथो, मतलब तभी उसे देख के जो चैंगली है ना वो सोचता है कि लूथो तुम यहाँ पर हो। तभी जो फेंगी है वो थोड़ा हैप्पी हो जाता है कि फाइनली जर्नल मिल गए हैं। फिर वो उससे बोलता है कि अगर अब सब चीज़ें ठीक हैं तो फिर मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ, अगर कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तभी जो लूथो है ना, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंग्री वाले, वो उससे बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। तो चैंगली उससे बोलता है कि क्या कुछ गलत है, और फिर वो उससे बोलता है कि बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इसकी कंडीशन, क्या फिर से मेमोरी इशू होने लग गया है इसे। तभी जो होता है लूथो, वो चैंगली का हाथ पकड़ता है, उसे शोल्डर पकड़ता है और उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ जैसा कि हमने अग्री किया था, और मैं आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो करूँगा। अभी तुम्हें मुझे एक मेल मॉडल बनाना होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो लूथो है वो चैंगली को शोल्डर से पकड़ता है और उससे बोलता है कि हाँ देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ जैसा कि हमने अग्री किया था, और मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर रहा हूँ, अभी तुम्हें मुझे मेल मॉडल बनाना ही होगा और तुम ऐसा बना सकते हो, है ना। तभी चैंगली उसे देखता ही रह जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। तभी लूथो उसे बोलता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं सभी के सेंटर ऑफ अटेंशन बनूँ और जो स्पॉटलाइट है वो मेरे ऊपर ही रहे, और फिर वो उसे बोलता है उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, इसमें मेरी डिग्निटी भी इंक्लूड
होती है। तो चैंगली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है, तो फिर वो उसे बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, और फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी जो मेमोरीज हैं वो फिर से मैसअप हो गई हैं, और क्या ये अभी किसी और में टर्न आउट हो गया है। और फिर वो उससे बोलता है कि नहीं, मेल मॉडल। और फिर मतलब वो सोच ही रहा होता है कि लूटो उसे पकड़ता है और उसे किस करने लगता है, और फिर वो उसके कपड़े को मतलब उतारना शुरू कर देता है, उसके कोट को। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि तुम थोड़ा रुक जाओ, तुम्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो लूटो उससे बोलता है कि तुमने ये खुद ही से कहा था मुझे कि अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँगा तो तुम मुझे मेल मॉडल बनाओगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो फिर जो लूटो है वो उससे बोलता है कि अगर मैंने डिसऑबे किया तो तुम मेरा जो कैरियर है उसे रियन कर दोगे फैशन इंडस्ट्री में, ये सभी तुम्हारे ही वर्ड से है ना। और फिर वो उससे बोलता है कि मिस्टर चैंग, और उसकी बात सुन के ना जो चैंगली है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अभी जो करंट जो लूटो मेरे सामने है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा तब लूटो था जब मैंने उसे फोर्स किया था मैरिज के लिए, और अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लग रहा है, पहले से बहुत ही ज़्यादा एंग्री और सैडनेस इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर वो उसे मतलब रोकता है और उससे बोलता है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ। तभी लूटो उससे बोलता है कि क्या तुमने मुझे प्रॉमिस नहीं किया था। तभी फिर वो उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी लाइक के अकॉर्डिंग नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं हूँ। तो चैंगली उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और फिर वो सोचता है चैंगली अपने मन में कि मैं अभी पहले की तरह नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं फिर से तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ। और फिर वो सोच रहा होता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, और फिर वो मतलब उसे मतलब कहने ही वाला होता है कि सडनली उसे डॉक्टर आन की कही हुई बातें याद आ जाती हैं कि जब भी लूटो की मेमोरी मैसअप होती हैं तो हमें उसकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्ले आउट करना होगा, वरना उसकी मेमोरीज़ को रिकवर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चैंगली चुप हो जाता है और फिर वो मतलब थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन को चेंज करता है और उसे बोलता है कि मेरा जो मतलब है वो ये है कि मैं अपने प्रॉमिस को ज़रूर रखूँगा, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पर नहीं, मेरे पास अपार्टमेंट है जो कि इस बिल्डिंग के बहुत ही नज़दीक है, तुम वहाँ पर जाओ और मेरे लिए वेट करो, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर मैं अपने एग्रीमेंट को अभी भी मतलब जारी रखूँगा। और उसकी बातें सुन के लूटो उसे देखने लगता है गुस्से से, और तभी जो मतलब चैंगली है उसकी चेन को ऊपर उठाता है और उससे बोलता है कि मुझे देखने दो कि तुम कितने ज़्यादा डिटरमाइंड हो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है लूटो फिर से किसी और पर्सनैलिटी में चेंज हो चुका है, अभी मुझे नहीं पता आगे वो कितने ज़्यादा पर्सनैलिटी में चेंज होएगा, अभी हमें आगे देखेंगे कि इनका क्या मतलब सीन चलता है। अभी तो लूटो चैंगली को काफ़ी ज़्यादा गलत समझ रहा है और वो अपने ड्रीम को चेस करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।